भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवद गीता का उद्देश्य दिया, यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहां क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी, आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है इस सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहां के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहां से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूं कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए?
पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं, तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, MSP करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की, जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला ID कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस की लहर है, हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है, इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डाली। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है।